गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी जो हम पढ़ेंगे वो है द वर्ड पावर मेडी, जो बुक है जिसको नॉर्मन लेज ने लिखा है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो द वर्ड पावर जो मेडी जी है वो कितना फेमस बुक है वो तो आप जानते होंगे। यानी अगर आपको अपना वोकेबलरी मजबूत करना है या फिर आप वोकेबलरी के जो है सो बिल्ड करना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा शौकीन है अच्छे अच्छे वर्ड्स का, तो आपको ये बुक तो आपने ज़रूर नाम सुना ही होगा, ठीक है, कितना इंपॉर्टेंट बुक है। तो क्या है ये बुक, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत मतलब आप देखते हैं तो मोटी बुक लगती है, मोटी सी और छोटी भी है, रेड कलर की है, ठीक है, जैसा कि हम इसमें दिया हुआ वीडियो के ऊपर थंबनेल में जैसा दिया हुआ वही बुक है। तो उतना मोटा बुक है लेकिन उतना मोटा उसको मत समझिए, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे उसको अगर नोट आप बनाएंगे ना तो बहुत छोटा नोट में आपका बन जाएगा, 5 रुपये का कॉपी में आपका पर नोट बन जाएगा। और बुक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है वो, और बहुत अच्छा से उसमें जो है सो पढ़ाया गया है, बताया गया है। क्या देखिए बताते हैं, रूट वर्ड उसमें दिया गया है, ठीक है, एक मतलब छोटा सा वर्ड है उससे रिलेट करके कैसे बड़े वर्ड बनाते हैं, ठीक है, उस रूट से, और उस वर्ड से बना करके आप कहाँ जहाँ भी हो उस रूट वर्ड को देखें आप वर्ड को कनेक्ट करके बना सकते हैं। तो ये उसमें थी वही इसी प्रकार से वर्ड जो है सो आपका बताया गया है उसमें, और जो वर्ड जो है सो बड़ा कैसे किया गया है उसमें, जो वर्ड्स हैं वो सारे न्यू वर्ड्स हैं, आपको लगेंगे कि न्यू न्यू वर्ड्स हैं सारे, और बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन वर्ड्स जो हैं वो दिए हुए हैं। जब आप ये बुक को पढ़ लेंगे ना तो आपको एक मतलब इंग्लिश के प्रति का एक नज़रिया ही बदल जाएगा, मतलब बहुत ही बेटर आप मतलब उसमें आप हो जाएंगे वोकैब में, एक आपका जो वोकैब बिल्डअप हो जाएगा ना वो बहुत ही अच्छा बिल्डअप होगा, ठीक है। तो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है, इसको मैं कम्प्लीट इसको पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पर, इसके बाद आपको बुक पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग बुक है वो। अब बहुत ज़्यादा इसका प्राइस भी नहीं है, बुक का बहुत कम है, 200 के आसपास ही है, उससे नीचे ही है, ठीक है। तो जो पहला रूट वर्ड है वो क्या है कि ईगो, ईगो मतलब क्या होता है, आई और जो सेल्फ है वो ईगो, ईगो डोनेट कर डिनोट करता है ये चीज़ को, ठीक है। और सेंट्रम क्या होता है, सेंटर, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और मैनिया मतलब क्या होता है, मैडनेस, ठीक है, मैनिया मतलब होता है मैडनेस। तो अगर आपने यहाँ पर ईगोइस्ट देखा पहला वर्ड जो है वो ईगोइस्ट, तो आपको यहाँ समझ लेना चाहिए ईगो, ईगो मतलब क्या होता है, आई आई और सेल्फ, सेल्फ मतलब क्या होता है। अब मान लो कोई अगर आदमी अपने आप को आई आई सेल्फ सेल्फ करते रहे तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ मैं अपना वो करते रहे तो इसका मतलब घमंडी है, अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं इसके। तो ईगो से आपको समझ में आ गया क्या होता है ईगो मतलब, तो ठीक है, ईगोइस्ट मतलब क्या होगा, बिलीव इन द सेल्फ एडवांसमेंट, जो अपना जैसे फ़ायदा में अपना अपना फ़ायदा का भाई मैं बिलीव करता हूँ, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, ईगोइस्ट बोलते हैं। और ईगोटिस्ट क्या बोलते हैं, ईगोटिस्ट मतलब क्या होता है, यहाँ पे भी जो आपका ईगो है ये क्या है, ईगो देखते हैं आपको समझ में आ गया, आई और सेल्फ आ गया आपको, तो ये क्या करता है, जो टॉक्स अबाउट एकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है, जो हमेशा बात करते रहता है मतलब इसका जो मीनिंग वो क्या होगा, टॉक्स अबाउट एकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है, ईगोटिस्ट का क्या होता है मीनिंग यही होगा, टॉक्स अबाउट एकॉम्प्लिशमेंट, ठीक है। ईगो सेंट्रिक क्या होता है, ईगो मतलब क्या होता है, ईगो मतलब होता है आई सेल्फ, यानी कि जो अपना वो एटीट्यूड होता है एक टुवार्ड्स अपने के लिए, और जो घमंड का जिसे हम बोलते हैं वो। और सेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंटर, तो इसका क्या मीनिंग होगा, देखो वन हु इज एक्सेसिवली फिक्सेड वन हीज ऑन स्टेज, जो अपने अपने ही मतलब बातों में जो मतलब बातों के बारे अपने ही बात के आगे पीछे घूमता रहता है उसे बोलते हैं ईगो सेंट्रिक, ठीक है। तो जो नीचे वर्ड है वो देखते हैं, ईगो मैनिक, ईगो मैनिक क्या होगा, ईगो मैनिक में देखिए यहाँ आपका ईगो है और यहाँ पे मैनिक है, मैनिक मतलब क्या था, अभी आप देखिए वहाँ पे मैडनेस होता है, और ईगो मतलब क्या होता है, आई माई सेल्फ मतलब आई सेल्फ वो होता है। तो यहाँ पे मीनिंग एक रेफरेंस मिल गया, वो क्या हो क्या मीनिंग देने वाला है ये वर्ड, तो क्या होता है ये, इसका मतलब ऑब्सेसिवली रैपिड अप इन वन सेल्फ, जो अपने आप में ही मतलब वो माफी रखा आ जाता है, ठीक है, अपने आप से ही मतलब एक प्रकार से उसका एक मतलब वो अपने आप में ही खोया रहता है, उसे बोलते हैं ईगो मैनिक, ठीक है। ये हो गया ईगो वाला जितना भी था यहाँ तक, ठीक है, ईगो वाला था सारा। अब यहाँ से जो आता है वो आता है, देखिए रूट वर्ड यहाँ से न्यू स्टार्ट होता है, अल्टर, अल्टर मतलब क्या होता है, अदर, आप सुने हुए होंगे अल्टर, मान लीजिए दो चीज़ है तो इसकी जगह पे इसको करते हैं तो क्या बोलते हैं, अल्टर बोलते हैं ना, कि अल्टर चीज़ है ये इसका, ठीक है, मान लीजिए अल्टरनेट क्लासेस हमारे होते हैं, आप समझ रहे हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन जो क्लासेस होते हैं अल्टरनेट, तो क्या होता है, अदर होता है। अब मान लीजिए अल्ट्रिस्ट लिखा हुआ, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है, अल्ट्रिस्ट, अल्ट्रिस्ट में आपका अल्टर आ गया, आपको समझ में आ गया अदर, तो अदर आ गया, आप समझ गए कि इसका डिफरेंस क्या देगा, अदर का देगा। तो जब एग्ज़ाम में देखिए आप जब एग्ज़ाम देंगे ना तब ये सब वर्ड जो होते हैं वो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं। अब मान लीजिए आपको अल्ट्रिस्ट आया हुआ, इसका सिनोनिम्स आपको ढूंढना है, तो आप देख लीजिए अल्ट मतलब क्या होता है, अदर, आपको ये भी ध्यान में, तो आप इसका सिनोनिम्स ढूंढ देंगे, अल्ट्रिस्ट मतलब क्या होगा, वेलफेयर ऑफ अदर्स, ठीक है।
टू अल्टरनेट क्या होगा, यहाँ पर भी ऑल्टर आ गया, ऑल्टर मतलब क्या होता है, अदर, तो टू अल्टरनेट का क्या होगा, टू टेक वन स्किप वन, ठीक है, मतलब एक को छोड़ के जो हम दूसरा लेते हैं उसे बोलते हैं, या कोई चीज़ होता है जब स्किप वन हम बोलते हैं, एक छोड़ दिया स्किप वन, तो उसे बोलते हैं कि टू अल्टरनेट। जैसे हमारे क्लासेस होते हैं, अल्टरनेट क्लासेस होते हैं, संडे होते हैं, मंडे नहीं होते, ट्यूजडे होते हैं, वेंसडे नहीं होते हैं, उसे बोलते हैं ना अल्टरनेट क्लासेस। तो वही है यहाँ पे अल्टरकेशन, अल्टरकेशन में देखिए यहाँ पे अल्टर आ गया तो अदर का रिफरेंस देगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अल्टरकेशन में क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एक दूसरे के बीच होता है आर्ग्यूमेंट, अब थोड़े कि अपने आप से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं होता है ना, ठीक है। फिर अल्टरेशन, अल्टरेशन में क्या होगा, अल्टरेशन में जो अल्टर आ गया मतलब अदर हो गया, अल्टरेशन का मीनिंग क्या होगा, अ चेंज, ठीक है। दूसरा पेज हम जाते हैं, अल्टर ईगो, अल्टर ईगो क्या होगा, अल्टर ईगो मतलब, अल्टर मतलब तो हो गया अदर, ठीक है, और ईगो मतलब क्या होता है, वन और सेल्फ, तो इसका मीनिंग तो यहाँ पे क्लियर निकल रहा है, वन वंस अदर सेल्फ, ठीक है। अब देखिए जो यहाँ से न्यू जो है सो रूट वर्ड आ रहा है, इंट्रो, इंट्रो मतलब इनसाइड होता है, एक्स्ट्रो मतलब आउटसाइड होता है, एम बी मतलब बॉट होता है, अल्वेट्रो मतलब टर्न होता है। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वर्ड अपने आप आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट क्या होगा, इंट्रो मतलब क्या होता है, इनसाइड, ठीक है, अंदर ही अंदर, तो इंट्रोवर्ट का क्या होगा, टर्न्स आउट इनवर्ट, मतलब जो अपने अपने बातों को अपने ही अंदर दबा लेता है उसे क्या बोलेंगे, इंट्रोवर्ट, यानी कि वो कम बोलता है, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, कम बोलने वाला। मान ली एक्स्ट्रोवर्ट है, ठीक है, तो क्या होता है, इसका मीनिंग टर्न्स थ्रो आउट, थाउट्स जो है, थाउट्स जो है आउटवर्ड। एक्स्ट्रो मतलब क्या होता है, आउटसाइड, तो आउटसाइड जो अपने थाट्स को है जो है वो आउटसाइड कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है, वो हो गया एक्स्ट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट, एम्बीवर्ट क्या होगा, एम्बी मतलब क्या होता है, बहुत होता है, ठीक है, तो एम्बीवर्ट क्या होगा, बहुत का डिफरेंस देगा, तो बहुत इनवर्ड एंड आउटवर्ड, जो दोनों इनवर्ड मतलब एक बोल सकते हैं बीच वाला जो पर्सन होता है उसे एम्बीवर्ट बोलते हैं, सिचुएशन के हिसाब से बोलने वाला, ठीक है। अब यहाँ से देखिए मिशन मतलब क्या होता है, हेट होता है, एंट्रोप्स मतलब क्या होता है, मैनकाइंड होता है, गाइनी मतलब क्या होता है, ओमेन होता है, गेमोस मतलब क्या होता है, मैरिज होता है, मोनो मतलब क्या होता है, वन होता है, बाई मतलब टू, पॉली मतलब मल्टीपल, और फिर मतलब लव। ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे, मोनो बाई पॉली, ये तो केमिस्ट्री में भी हमारा था। गेमोस मतलब क्या होता है, मैरिज होता है, गैनी मतलब ओमेन होता है, ठीक है, तो उसी को मिला करके नीचे वर्ड जो है सो बना हुआ है। मिसेंट्रोपी, मिशन मतलब क्या होता है, हेट होता है, ठीक है। एंट्रोपी मतलब क्या होता है, देखिए मिशन, मिस एंट्रोपी क्या होगा, मिस मतलब क्या होता है, हेट होता है, एंट्रोपी मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, तो कौन हो जाएगा, जो मैनकाइंड से हेट करता हो, हेट्स पीपल, हेट मैनकाइंड, जो मनुष्यों से नफरत करता हो उसे बोलेंगे मिस एंट्रोपी। और मिसोन गैमिनिस्ट क्या होगा, मिसो मतलब क्या होता है, हेट होता है, ठीक है। और गाइनिस्ट मतलब क्या होता है, ओमेन, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, गाइनिस्ट मतलब ओमेन, तो क्या हो जाएगा, हेट वुमेन्स, जो वुमेन्स को हेट करता है उसे बोलते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वर्ड जो हमारा आ रहा है ये भी लंबा चलेगा, एंट्रो मतलब क्या होता है, एंट्रो मतलब ह्यूमन होता है, मैनकाइंड होता है, और पॉली मतलब क्या होता है, कई, तो एंथ्रोपोली मतलब क्या होगा, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये बायोलॉजी का भी है और हमारा जैसे ज्योग्राफी का भी है। गायनोकोलॉजी, गायनो मतलब क्या होता है, जिसे हम गायनी बोलते हैं, वो क्या होता है, वुमेन, तो वुमेन। और लॉजी देखिए, लॉजी यहाँ पे एक न्यू वर्ड आया हुआ है, ठीक है, ये भी रूट वर्ड है, लॉजी मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, गायनोकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, ठीक है, समझते हैं ना किस प्रकार से रूट वर्ड से आप अटैच करते हैं। अगर आप कंप्लीट बुक पढ़ेंगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप जो वोकैब है ना आपका एक अलग ही टाइप का बन जाएगा, बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। तो आप कंप्लीट देखिएगा सेशन जो हम कंप्लीट डालेंगे, वो लगभग 20 से 25 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये बुक। अब मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, एक होता है, ठीक है। और गैमी मतलब क्या, विवाह, तो मोनोगैमी क्या होगा, वन मैरी, जहाँ पर एक विवाह का ही प्रथा, मतलब वो एक विवाह जो करने का करते हैं उसे बोलते हैं मोनोगैमी, ठीक है। बाय मतलब दो होता है, गैमी मतलब विवाह होता है, तो क्या हो जाएगा, टू मैरिज। इसी प्रकार से यहाँ पर मिसोगैमी, मिसो मतलब क्या होता है, मिसो मतलब हेट होता है, अभी पीछे में लिखा हुआ था रूट वर्ड। और गैमी मतलब क्या होता है, मैरी, तो मिसोगैमी क्या हो जाएगा, हेट मैरिज, ठीक है। और फिलेंट्रोपी, फिल मतलब क्या होता है, लव, एंट्रोपी मतलब क्या होता है, मैनकाइंड, तो फिलेंट्रोपी क्या हो जाएगा, लव ऑफ मैनकाइंड, जो मनुष्य से प्यार करता है उसे बोलते हैं
फिलेंट्रोपी, देखिए यहाँ पे न्यू वर्ड आ गया, न्यू एंड हमारा जो आ गया वो है फील। फील मतलब क्या होता है? लव। और मैनिया मतलब क्या होता है? मैडनेस, ठीक है। फिर मतलब लव होता है। पॉली मतलब क्या होता है? अनेक। अगेनिस्ट मतलब क्या होता है? क्या होता है अगेनिस्ट मतलब? उमन होता है, तो इसका बहुत सारा उमन हो उसको क्या बोलेंगे? मल्टीपल वाइफ जिसके हैं, तो पॉलीगैनिस्ट मतलब क्या होता है? मल्टीपल वाइफ्स। पॉलीगैनिस्ट मतलब क्या होगा? मल्टीपल वाइफ्स। अब मान लिए पॉली एंड्रिस्ट, पॉली मतलब क्या होता है? बहुत। एंड्रिस्ट मतलब क्या होता है? मैनकाइंड, तो मल्टीपल हस्बैंड। एंड्रोज मतलब क्या होता है? मेल होता है। देखिए यहाँ पर भी लिखा होगा, पहले भी हम पढ़ चुके। तो पॉली एंड्रिस्ट मतलब क्या होगा? मल्टीपल हस्बैंड, ठीक है। उसी डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर अगर आ गया तो क्या होता है? राइट हैंड। और ड्रॉइट मतलब क्या होता है? राइट हैंड। दोनों मतलब होता है राइट हैंड, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, दोनों मतलब होता है हमारा राइट हैंड, ठीक है। अब मान लो ये रूट वर्ड से जो वर्ड बनेंगे वो कैसे बनेंगे, तो नीचे में हम देखते हैं कैसे बनेंगे। डेक्स्ट्रस, डेक्स्टर मतलब क्या होगा? स्किलफुल, ठीक है। डेक्स्टर मतलब आपको आगे आते ही आ गया राइट हैंड। राइट हैंड से क्या होता है हमारा? राइट हैंड में हमारा सब कुछ होता है, हम लिख सकते हैं, ज़्यादा ताकत होता है हमारा, हम सारे काम मतलब राइट हैंड से लगभग कर सकते हैं, इसलिए बोलते हैं स्किलफुल। अब बताओ एड्रोइटनेस, एड्रोइटनेस क्या होता है? स्किल, क्लेवरनेस, ठीक है। एड्रोइट आ गया मतलब क्या हो गया? स्किल हो गया, राइट हैंड है तो स्किल हो गया हमारा, ठीक है। एड्रोइटनेस मतलब क्या होगा? स्किल और क्लीवनेस। ये थोड़ा सा अजीब में है, थोड़ा सा उतना मैच नहीं होता, लेकिन अब से आप देख लीजिएगा, ठीक है। एमबी मतलब, एमबी डेक्स्ट्रस क्या हुआ? एमबी डेक्स्ट्रस क्या हुआ? एमबी मतलब क्या होता है? दो। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है? स्किलफुल। देखिए यहाँ पे लिखा है डेक्स्ट्रस मतलब स्किलफुल, और एमबी मतलब दो, तो क्या होगा? जो दोनों हाथों से मतलब स्किलफुल हो, दोनों हाथों से, बहुत हाथों से, जैसे थ्री डी में देखे होंगे वो जो प्रिंसिपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं? दोनों हाथों से लिख लेते हैं, तो वो उसे क्या बोलेंगे? एमबी डेक्स्ट्रस, ठीक है। वो दोनों हाथों से सेम स्किल करने हैं, सेम स्किल जो है सेम तरीका से कर लेता है दोनों से, यानी कैपेबल ऑफ यूजिंग बोथ विथ इक्वल स्किल, ठीक है। इसे बोलते हैं एम बी डेक्स्टर्स। चलते तो अपना अगला जो है सो वर्ड पे, ठीक है। ये अपना वर्ड है और ये आज का लास्ट इतना ही वर्ड है। सिनिस्टर मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड। और गाउच मतलब क्या होता है? लेफ्ट हैंड। दोनों मतलब होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। ये हमारा रूट है, तो यहाँ पे जो सिनिस्टर से बनेगा रूट से क्या बनेगा? इविल और थ्री 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 क्या है, ट्रीटरिंग होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखिए आगे रख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड जो हमारा होता है राइट हैंड, लेफ्ट हैंड हमारा क्या होता है? सारा काम जो हम अच्छे काम अपने लेफ्ट हैंड से करते हैं, बुरे काम जो मतलब लगभग जो नहीं कर पाते वो लेफ्ट हैंड में होता है। लेफ्ट साइड सारे मतलब सारा अच्छा काम जो होता है हम क्या राइट साइड से ही करते हैं, राइट हाथ से करते हैं, सारे काम मतलब करते हैं, तो ठीक है। यहाँ वही सबसे आप आद कर सकते हैं इसको, सिनिस्टर हो जाएगा इविल, ठीक है। इविल ताकत। गाउच मतलब क्या हो जाएगा? ऑकवर्ड, ऑकवर्ड हो जाएगा, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, ये थोड़ा मेरा उतना मैच नहीं करता है, ठीक है। एस्केट्स क्या होता है? एस्केट्स मतलब मॉन्क होता है। मॉन्क कौन होते हैं? ठीक है, साधु समझते हैं ना, उस प्रकार के ही मॉन्क होते हैं, ठीक है। तो एसेस्टिज्म क्या होगा? डिवोशन टू लॉन्ली एंड ऑस्टर लाइफ, ठीक है। ऑस्टर लाइफ जो डिवोशन कर देते हैं अपने आप के एकांत में, उसे मॉन्क बोलते हैं, ठीक है। जो शादी विवाह नहीं करते उसे मॉन्क बोलते हैं, ठीक है, उसे मॉन्क बोलते हैं। तो इससे जो वर्ड बन गया ये वाला, तो देखिए रूट वर्ड से कुछ होता नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अगर रूट वर्ड आप पढ़ेंगे तो आपको लगभग लगभग आपका जो सारा जो है सो वो कंप्लीट हो जाता है। सिर्फ अभी जो आप वर्ड पढ़े, मान लीजिए पॉली, आप अगर कोई बोल दे पॉली भी पढ़े, पॉली मतलब क्या होता है? अनेक होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको यहाँ पर लिख दे कोई, ठीक है, मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये पॉली ग्लोट कोई लिख दे, ठीक है। तो पॉली ग्लोट क्या होगा? पॉली मतलब देखिए क्या होता है, पॉली मतलब कई होता है, अनेक होता है, ठीक है। और ग्लोट मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आपको पता है पॉली और पॉली ग्लोट का पूरा का मीनिंग नहीं पता है, लेकिन आपको पॉली का मतलब पता है कि अनेक होता है। आपको चार ऑप्शन है उसमें, अगर किसी में भी का रेफरेंस है जो अनेक का दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे पॉली ग्लोट मतलब क्या होता है। तो पॉली ग्लोट का मीनिंग क्या होता है? पॉली ग्लोट का मीनिंग होता है जो अनेक भाषाओं को जानता है, ठीक है। धन्यवाद, आपने हमें सुना। आप सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे अच्छे पहले, ठीक है, ताकि जो मैं वीडियो डालूँ, और आप बेल आइकन डाला प्रेस कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और पूरा कंप्लीट करिए, ठीक है, कंप्लीट करिए इसको, आप पढ़िए कंप्लीट। आपका जो वोकैब है वो मतलब बेहतरीन आपको बना के दे देगा ये वोकैब। जब आप वर्ड पावर मेडी जी को पढ़ें, बहुत कुछ सोचते हैं कि पढ़ेंगे लेकिन इसको पढ़ नहीं पाते, ठीक है। मैं ये पूरा कंप्लीट कराऊंगा, ठीक है। धन्यवाद। और